नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं उस जिले का नाम कमेंट में लिखें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करने के बाद एलपीजी की कीमतों में कटौती की है। इस कटौती का फायदा केवल कॉमर्शियल रसोई गैस उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। घरेलू उपयोग वाले उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस साल में ये लगातार चौथा महीना है जब कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। चार माह के दौरान 150 रुपए तक की कमी की गई है। आज से राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 30 रुपए कम किए हैं। इस कटौती के बाद आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बाजार में 1698 से बजाय 1668 रुपए में मिलेगा। 12,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि नहीं देने पर बरसे डोटासरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को टोंक से किसानों को 3 बड़ी सौगात दी। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजन लाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में किसानों को 12,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि देने का वादा किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसे बढ़ाकर मात्र 8,000 रुपए ही किया है। इसमें सिर्फ 2,000 की बढ़ोतरी की है। यह किसानों के साथ वादा खिलाफी है। राजस्थान के इन 21 जिलों के लिए खुशखबरी। 20 साल के विवाद के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 72,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना पर रविवार को एमओयू हो गया। 6 माह पहले प्रदेश में आई मोहन और राजस्थान की भजन लाल की सरकार ने विवादों को सुलझाया और केंद्र के नेतृत्व में लंबित विवाद खत्म हो गए। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसमें परियोजना को लेकर वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई। 21 जिले कौन कौन से है तो जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, ब्यावर केकड़ी, दूदू कोटपुतली बहरोड़, खैरथल तिजारा, डीग जयपुर ग्रामीण है। आज से 1500 रुपए तक महंगी हुई हीरो की गाड़ियां। साज से हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने कुछ चुनिंदा वाहनों की एक शोरूम कीमतों को 1500 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि कमोडिटी प्राइस में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है। बांसवाड़ा में वनरक्षक भर्ती का पेपर था लीक। बांसवाड़ा जिले में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का बड़ा खुलासा पुलिस ने कर लिया है। अब यह पूरा मामला एसओजी को सुपुर्द करने की तैयारी कर ली गई है। पेपर लीक प्रकरण में पुलिस ने रविवार देर रात को 15 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। यह FIR एडिशनल SP लीव रिजर्व पुलिस लाइन धनफुल मीणा ने दर्ज कराई है। FIR के मुताबिक बांसवाड़ा जिले में वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक हुआ था, जिसकी परीक्षा 13 नवंबर 2022 को दो पारियों में हुई थी। किसानों के लिए बड़ी खबर, खेतों की तारबंदी करवाने पर 50-70% तक अनुदान। आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए कृषि विभाग द्वारा के माध्यम से राजस्थान एग्री इंफ्रा मिशन अंतर्गत खेतों की कांटेदार या चैन लिंक तारबंदी करवाने पर अनुदान दिया जा रहा है। समूह में यदि न्यूनतम 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर 20 बीघा पक्की भूमि में तारबंदी करवाते हैं तो सभी किसानों को 70% अनुदान राशि के हिसाब से प्रति कृषक अधिकतम 400 मीटर लंबाई पर 56,000 की अनुदान राशि मिलेगी। जियो, एयरटेल, वोडाफोन के रिचार्ज महंगे होंगे। वोडाफोन, जियो और एयरटेल के रिचार्ज महंगे होंगे। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे करने का ऐलान किया है। जियो, एयरटेल के प्लान 3 जुलाई से महंगे होंगे, जबकि वोडाफोन के नए प्लान 4 जुलाई से लागू होंगे। जियो ने अपने बेसिक प्लान की कीमत 155 रुपए से बढ़ाकर 189 रुपए कर दी है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में हो सकता है बदलाव। पहली बारिश में रामलला मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकने पर ये दो बयान आए। ये इशारा कर रहे हैं कि रामलला मंदिर के पुजारियों और ट्रस्ट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये खींचतान पहली बार सामने नहीं आई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही ट्रस्ट और पुजारियों में विवाद सामने आने लगे थे। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि ट्रस्ट और गर्भगृह में पूजा करने वाले पुजारियों में बदलाव हो सकता है।
RGHS लाभार्थियों के लिए खुशखबर, अब घर बैठे मिल सकेगी दवाएं। RGHS लाभार्थियों के लिए खुशखबर है, अब उन्हें घर बैठे दवाएं मिल सकेंगी। इसके लिए RGHS लाभार्थी को SSO पोर्टल पर ओन ऑप्शन चूज करना होगा, उसके बाद ही उन्हें यह फैसिलिटी मिलेगी। चयनित अनुबंधित मेडिकल स्टोर दवाएं उपलब्ध करवाएगा। ऐसे में RGHS लाभार्थी को मेडिकल स्टोर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने सभी RGHS में चयनित मेडिकल स्टोर्स को गाइडलाइन जारी की है। इसका लाभ जुलाई माह से मिलने लगेगा। सीएम भजन लाल का अफसरों को निर्देश, नवजात शिशु का जनरेट हो एक यूनिक हेल्थ आईडी नंबर। सीएम भजन लाल ने मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को चिकित्सा विभाग के 3 अभियानों का शुभारंभ करने के बाद अफसरों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री भजन लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में निचले स्तर तक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जिससे हर बच्चे के जन्म के साथ ही उसका एक यूनिक हेल्थ आईडी नंबर जनरेट हो जाए और भविष्य में उसके स्वास्थ्य से संबंधित हर जानकारी उस आईडी के तहत दर्ज की जाए। स्टेशन के नाम को लेकर देवासी समाज का विरोध, तेज जोधपुर के राई का बाग रेलवे स्टेशन का नाम सुधारने की मांग को लेकर सोमवार को हजारों की संख्या में देवासी समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और राज्य व केंद्रीय सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन का नाम सुधार नहीं होने तक समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन जारी करने की चेतावनी दी है। हाल में रेलवे की ओर से जोधपुर के राई का रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन कर उसे राई का बाग कर दिया गया है। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश, जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में सुबह बारिश हुई। राजस्थान में समय से मानसून की एंट्री के बावजूद जून में बारिश का कोटा पूरा नहीं हो सका है। मानसून और प्री मानसून अवधि में राजस्थान में जून के 30 दिन औसतन 55 mm बरसात होती है। इस बार ये 9% कम हुई। राज्य में अब भी 3 जिले ऐसे हैं जहां मानसून का प्रवेश होना बाकी है। सोमवार को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, धौलपुर और दौसा जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर में दिन दहाड़े महिला टीचर से लूट। जयपुर में दिन दहाड़े घर के बाहर कार में बैठी प्राइवेट स्कूल टीचर से बदमाश ज्वेलरी लूट ले गए। रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार 3 बदमाश कार के पास आकर रुके। इसमें से एक बाइक से उतरा और कार में बैठी टीचर के पास गया। रास्ता पूछने के बहाने पहले तो गले से चेन तोड़ी, हड़बड़ी में चेन कार में ही गिर गई। इसके बाद बदमाश ने कलाई से ब्रेसलेट खींच ली और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। खाचरियावास बोले, सांगानेर में उजड़े परिवारों का पुनर्वास करें सरकार। सांगानेर में झेड़िए की हुई कार्रवाई के बाद अब पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सियासी बयान दिया है। उन्होंने बताया, सांगानेर में 800 से ज्यादा परिवारों को उजाड़ने का काम राज्य की भाजपा सरकार ने किया है, जबकि राज्य में पहले से ही कांग्रेस सरकार के समय से ही पुनर्वास पॉलिसी लागू की गई है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उजाड़ने से पहले उसका पुनर्वास किया जाता है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव फिर टले। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के चुनाव की तारीख एक बार फिर अगले 3 महीने के लिए टल गई है। अब सितंबर महीने के अंत तक चुनाव कराए जाने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के चलते एडहॉक कमेटी RCA के चुनाव आयोजित नहीं कर पाई थी। अब सरकार ने इस कमेटी के कार्यकाल को 3 महीने आगे बढ़ाया दिया है, जो आगामी महीनों में RCA के कामकाज देखेगी। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। प्रदेश में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उपचुनाव को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपचुनाव में विधानसभा सीटवार प्रभारी, जातिगत समीकरण, इन सीटों पर लोकसभा चुनावों में बीजेपी की परफॉर्मेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। RPSC भर्ती परीक्षा में फर्जी मार्कशीट का मामला। RPSC की हिंदी लेक्चरर भर्ती 2022 में फर्जी मार्कशीट के मामले में SOG ने प्राइवेट टीचर और बजरी व्यापारी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों के द्वारा फर्जी डिग्री का वेरिफिकेशन बनवाना सामने आया है। हालांकि SOG ने सोमवार को दोनों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। झुंझुनू में ATM काट कर ले गए 9 लाख रुपए। झुंझुनू में रविवार रात बदमाश गैस कटर से SBI का ATM काट कर 9 लाख रुपए लूट ले गए। नाइट गश्त कर रही टीम को रात 3 बजे घटना की जानकारी मिली। मामला मंडावा थाना इलाके के रघुनाथ जी मंदिर के पास स्थित ATM का है। सिम चोरी हुई तो नई सिम 7 दिनों में मिलेगी। सरकार ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और सिम स्वैप से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर अब आपको नया सिम लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने के बाद आपको स्टोर से तुरंत सिम कार्ड मिल जाता था। अब इस मामले में इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है।
1 जुलाई से यहां शुरू हो गया। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, फास्टैग से सीधे कटेगा चालान, हाईवे पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को देखते हुए नया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। ये नया नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, जिसके बाद से आपके फास्टैग से सीधे ही चालान कट जाएंगे। कैमरे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करेंगे। इसकी मदद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के फास्टैग से ही चालान काट लिया जाएगा। सरिस्का और रणथंभौर जाने वाले पर्यटक के लिए जरूरी खबर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य जोन 1-5 और सरिस्का बाघ अभयारण्य में आज से पार्क भ्रमण व पर्यटन गतिविधियां 3 माह के लिए बंद हो गई है। अब दोनों टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर को खुलेंगे। बारिश से सब्जियों के रेट में भारी तेजी, बरसात शुरू होते ही सब्जी भी भाव खा रही है। बीते 1 सप्ताह से सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। टमाटर व फूल गोभी के भाव अनार की कीमत के बराबर 100 रुपए किलो हैं। वहीं मिर्ची 120 व नींबू 150 रुपए किलो हैं। खेत व बारियों में बरसात के कारण पानी जमा हो गया है, इसलिए सब्जियों के रेट में भारी तेजी आई है। राजस्थान में नए जिलों पर संकट के बीच अब क्या ये ऐतिहासिक शहर बनेगा? नया जिला, सीएम भजन लाल ने दिया बड़ा बयान। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता पूरा राम चौधरी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन प्रेषित कर बागोड़ा उपखंड क्षेत्र को सांचौर से हटाकर पूर्ण जालोर जिले में सम्मिलित करते हुए भीनमाल को नवीन जिला बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए जनता जनार्दन के लिए जो भी बेहतरीन हो सकता है ऐसा न्याय संगत निर्णय करेगी। राहुल बीजेपी सांसदों से बोले, आप हिंदू नहीं हिंसक हैं? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, शिव जी की फोटो देखिए, त्रिशूल जमीन में गड़ा है, वह अहिंसा की बात करते हैं। आप लोग खुद को दिन भर हिंदू कहते हैं और हिंसा की बात करते हैं। आप लोग भाजपा सांसदों की ओर इशारा करते हुए, हिंदू है ही नहीं। टाटा मोटर्स की कॉमर्शियल गाड़ियां भी 2% तक महंगी। आज टाटा मोटर्स की कॉमर्शियल गाड़ियां भी 2% तक महंगी हो गई हैं। अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के अनुसार बढ़ोतरी अलग अलग है। कंपनी ने बताया कि लागत में बढ़ोतरी के चलते ये फैसला लिया गया है। अब चलती ट्रेन में होगी शादी। चलती ट्रेन में शादी करने का सपना सच हो सकेगा। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में शादी और अन्य रस्में कराई जा सकेंगी। इसके लिए ट्रैवल कंपनी के साथ करार किया गया है। 20 जुलाई से ट्रेन के नए सीजन की शुरुआत होगी और माना जा रहा है कि साल के अंत तक कम से कम 5 शादियां इसमें हो सकेंगी। मालूम हो कि दुनिया में अभी तक ट्रेनों में शादियां नहीं होती और अब पैलेस ऑन व्हील्स पहली ऐसी ट्रेन होगी जिसमें लोगों की शादियां हो सकेंगी। पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा तक जाती है। उदयपुर की 8 ट्रेनों में ऐसी कोच घटेंगे। रेलवे 4 माह बाद 1 नवंबर से ट्रेनों में ऐसी कोचों की संख्या घटाकर जनरल कोचों की संख्या बढ़ाने पर काम करेगा। सबसे पहले लंबी दूरी की ट्रेनों में यह बदलाव होगा। उदयपुर की 2 ट्रेनों उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस और उदयपुर योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस में यह बदलाव नवम्बर से होगा। जयपुर जिले के चौमू कस्बे में रविवार को धर्म परिवर्तन की सूचना पर हड़कंप मच गया। यहां रैगर मोहल्ले में सुबह 11:30 बजे एक मकान में टेंट लगाकर प्रार्थना सभा की जा रही थी। मकान के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग जुट गए और आरोप लगाया कि कुछ लोग 3 साल से हर संडे प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पुलिस बताया, मौके पर धर्म परिवर्तन जैसी घटना सामने नहीं आई, इसलिए किसी को डिटेन नहीं किया है। स्टीफन के पास लोगों को जुटाकर प्रार्थना सभा करने की वैध परमिशन नहीं थी, इसलिए टेंट हटवाकर लोगों को वहां से रवाना कर दिया गया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।